यही वो तस्वीरें हैं जिसकी वजह से इस व्यक्ति को सन ऑफ बिहार कहा जाता है। अब देखिए इस तस्वीर में खास बात क्या है, हाईवे है, बहुत तेज में गाड़ी आ रही है, जा रही है, इसी बीच जो है एक बंदा अपने गाड़ी से उतरता है, दौड़ दौड़ के अचानक क्या करने लग जाता है। और मनीष कश्यप की ये वीडियो इस वक्त इंटरनेट पे क्यों वायरल हो रही है वो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे होंगे। देखिए सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप, यूट्यूबर मनीष कश्यप कह लीजिए, जनसेवक मनीष कश्यप कह लीजिए, आप जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। और ये बंदा जो है वो बिहार में अपना एक अलग पहचान रखता है अपने काम की वजह से। इस बीच में कुछ मामले आए, जेल भेजा गया, एनएसए लगा इन पे, 9 महीने जेल में रहे, उसके बाद जेल से बाहर निकले और बाहर निकलने के साथ फिर से वहीं से शुरू हुआ जहां से ये खत्म किए थे जेल जाने से पहले। और अब जो है ये राजनीति में आने का मूड बना चुके हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। पहले कयास ये लगाया जा रहा था कि एनडीए से इनको टिकट मिल जाएगा, लेकिन टिकट नहीं मिला। अब देखिए यहां हम टिकट वाली बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टिकट न मिलने पे भी लोकसभा जैसा बड़ा चुनाव लड़ने के लिए जिगरा चाहिए। लेकिन ये बंदा जो है साधारण परिवार से होते हुए भी निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर चुका है और लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लगातार लोगों से बातचीत हो रही है, लगातार लोगों का जो है हुजूम जुट रहा है जहां भी ये कार्यक्रम कर रहे हैं वहां पे। अब आ जाते हैं उस वीडियो पे जो हमने शुरुआत में आपको दिखाया कि ये वीडियो आखिर क्यों वायरल हो रहा है। देखिए लोकसभा के चुनाव की तैयारी चल रही है और ऐसे में हर प्रत्याशी जो है अपने अपने क्षेत्र में है, ये भी अपने क्षेत्र में है, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। इसी बीच रास्ते में था हाईवे पे कुछ पत्थर गिरे हुए थे, कुछ ईंट थे और उस ईंट की वजह से किसी की दुर्घटना न हो जाए ये सोच के मनीष कश्यप अपने गाड़ी से उतरते हैं, अपने काफिला को रोकते हैं और खुद दौड़ दौड़ के वो ईंट सड़क से हाईवे से हटा के बाहर फेंक देते हैं। अब देखिए मनीष कश्यप के क्षेत्र के ही लोग तो सिर्फ उस हाईवे से जा नहीं रहे होंगे, मनीष कश्यप जो है फिर भी क्यों उतरते हैं अपने गाड़ी से और अपना जो है उस बीच में जाके दो चार जनता से मिलते तो उनका वोट हो सकता है कि बढ़े, लेकिन फिर भी इन सब चीजों को दरकिनार कर मनीष कश्यप उतरते हैं हाईवे से, जो है पत्थर जो है जो ईंट है वो उठाते हैं बाहर फेंक देते हैं। बहुत छोटी सी ये चीज है, हमें लगता है कि इतनी छोटी चीज है कि एक साधारण इंसान करे तो उसका कोई जिक्र भी ना हो, लेकिन मनीष कश्यप जैसा व्यक्ति जिसे लोग जो है इस वक्त देखना पसंद कर रहे हैं, जिसके साथ फोटो खिंचाना पसंद कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति सड़क पे उतर के इस तरह का एक छोटा सा काम भी करता है समाज के लिए तो वो कहीं ना कहीं प्रेरणादायक हो सकता है। अब देखिए मनीष कश्यप के उस ईंट को हटाने से वहां दुर्घटना टला नहीं टला ये अलग विषय है, मनीष कश्यप के इस कार्य से न जाने कितने बिहार के युवा जो है प्रभावित हो जाएंगे और वो सड़क पे अगर इसी तरह का कोई लकड़ी हो, ईंट हो या कोई भी ऐसा चीज हो जिससे दुर्घटना हो सकती है तो उसे हटा सकता है। और यही चीज मनीष कश्यप को बाकी लोगों से अलग बनाता है और मनीष कश्यप को वीर से अलग बनाता है और मनीष कश्यप को इस लायक बनाता है कि एक साधारण परिवार का बच्चा 9 महीने बाद जेल से निकलता है, जिसकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब होती है, फिर भी लोकसभा जैसा बड़ा चुनाव जो है लड़ने का मूड बना लेता है। तो ये खास चीज है। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। क्या लगता है मनीष कश्यप चुनने वाले हैं तो वहां से उनकी जीत होगी या क्या कुछ होगा, वो सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बहुत धन्यवाद, जय हिंद।